एक बात मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दे दूं कि ये जो शो आती थी आजकल ये क्यों नहीं आती, ये मैं बताऊं। टाटा का और जर्मन किसी कंपनी का ये कलेबोरेशन था, मान के चलिए उसके साथ ये, मगर शो टाटा की नहीं थी, शो ये जर्मन कंपनी की थी। तो उसके बाद उनका टाई अप है, वो टूट गया था आई थिंक, मैं अगर सही हूँ तो 1980 के आसपास, एक दो साल ऊपर नीचे भी हो सकता है। उस टाइम के बाद जो शो का जो मान के चलिए सर्टिफिकेट्स हैं वो उन्होंने वापस ले लिए थे, तो अभी इसीलिए ये गाड़ी नहीं आती। तो उसके बाद उन्होंने टाटा ने अपनी गाड़ी लॉन्च की थी, एस गाड़ी, जो उनकी अपनी खुद की शो थी, जो इसको थोड़ी सी कम्पीट करती, इस तरह की शो आती थी, वो ऊपर खुलती थी, इसलिए ये दो पीस पहले खुलती थी। तो ये भी आपको एक भी, अगर आपको इस बारे गाड़ी में और जानकारी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जसपाल सिंह और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल गिल ट्रक बॉडी समाना पर। आज हम आपके लिए स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं डी गाड़ी, तो यहाँ पर डी गाड़ी का हम आपको 1965 की ये गाड़ी है, इसका फुल रिव्यू हम बनाए, फ्रंट इसका कैसे है, कैबिन गियर पार्ट्स उस समय में के कैसे थे और नीचे क्या यहाँ पर कमानी सिस्टम आता था और पीछे में गाड़ी कैसी थी, आज भी गाड़ी ये रोड पर चल रही है, इस गाड़ी के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरुआत। आज हम आपके लिए रिव्यू लेकर आए हैं टाटा की डी गाड़ी। जी हाँ बिल्कुल, PNC गाड़ी का यहाँ पर नंबर है, नंबर प्लेट भी, गाड़ी इतनी ज़्यादा पुरानी हो चुकी है कि गाड़ी का ये नंबर भी यहाँ पर मिट चुका है। और गाड़ी का जो शो पेंट है वो ओरिजिनल शो पेंट था और बहुत ही ज़्यादा मान के चलिए गाड़ी चली हुई है ये। अगर मॉडल की बात करें इस गाड़ी की तो 1965 की रजिस्टर्ड गाड़ी ये है, यहाँ पर चेसिस नंबर भी गाड़ी का यहाँ पर मिट चुका है और जो आगे कमानी है वो यहाँ पर दे सकते हो आप, सेमी इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग्स आगे में यहाँ पर, उस टाइम पर 1965 में थी, और पीछे में यहाँ पर मल्टी इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग्स यहाँ पर कमानी है, ताना राड़ का काम भी किया हुआ है। अगर पीछे हम यहाँ पर बात करें तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही होगी, पर आप देखिए अभी 1965, 35 साल पिछले और 22 साल ये, कितने साल गाड़ी पुरानी हो चुकी है और आज भी ये वर्किंग है, गाड़ी चल रही है, अभी FSI का माल ये गाड़ी लोड कर रही है। 16 फीट की लंबाई के साथ ये गाड़ी है, जो उस टाइम गाड़ी में जो टायर साइज आ रहा था ये 10R20 के साइज है आगे पीछे वाले, और आगे वाले 920 के टायर साइज आ रहे हैं। और यहीं पर बात कर लेते हैं हम गाड़ी में यहाँ पर इंजन की, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर रहा इंजन, ये टाटा का 6 सिलेंडर का इंजन है, यहाँ पर देखो ये अपनी 6 नोज़ल आ रही हैं, और आगे फैन बेल्ट देख सकते हो, रेडिएटर्स देख सकते हो गाड़ी में, और ऊपर से यहाँ पर एयर क्लीनर ऊपर ही दिया हुआ, पहले भी साइड माउंटेड आ रहा है तो ऊपर से दिया हुआ, प्रेशर का भी सिस्टम यहाँ पर गाड़ी में लगा हुआ है। और अगर यहीं पर बात करें तो स्टेयरिंग, आजकल तो रॉड वाले स्टेयरिंग मके हटा दिए हैं, वायर वाले स्टेयरिंग आ रहे, तो यहाँ पर जो स्टेयरिंग है वो डायरेक्ट दिया हुआ है। यहाँ पर देखो स्टेयरिंग बॉक्स भी, और ZF का यहाँ पर स्टेयरिंग बॉक्स इस गाड़ी में आया हुआ है, सीधा स्टेयरिंग लगा हुआ है। और बाकी यहाँ पर देखो हेडलाइट्स जो आती थी इस तरह की, यहाँ पर 8 इंच की यहाँ पर हेडलाइट्स आती थी, हलोजन बल्ब के साथ यहाँ पर एक्स्ट्रा हेडलाइट्स यहाँ पर आती, जाली जो इसकी सबसे ज़्यादा जो मशहूर थी वो यहाँ पर देखो जाली, और 2 पार्ट्स में यहाँ पर ओपन होता था इंजन का पार्ट्स, और साथ में यहाँ पर जो टाटा का यहाँ पर लोगो रहता था। और काफ़ी ज़्यादा गाड़ी ये इंडियन रोड्स पर आज भी आपको दिख जाएगी। और यहीं पर आप बात कर लेते हैं हम अंदर से कैबिन की, अगर बात करें तो कैबिन में आपको क्या क्या इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको यहाँ पर मिलेगा वो हम यहाँ पर दिखाने वाले हैं। पहले तो ये वाइपर मशीन के यहाँ पर कंट्रोल्स दिए हुए हैं, और ये जो कंट्रोल्स हैं आई थिंक ये इंजन लाइट के होंगे और पार्किंग लाइट्स के भी हो सकते हैं। यहाँ पर गाड़ी में यहाँ पर सेल्फ है, ये सेल्फ दी हुई है, गाड़ी आपको स्टार्ट करके भी हम जरूर दिखाएंगे। उसका 2 प्रेशर बार्स, उस टाइम पर 1965 में R8 का प्रेशर बार्स भी साथ में लगता था। और ये देखिए टेम्परेचर मीटर, एम्पियर मीटर है ये, और ये रहा आपका टेम्परेचर मीटर, इस तरह का सारा सिस्टम पहले से ही ऑलरेडी उस टाइम पर भी ज़माने में था। कैबिन देख सकते हो, कैबिन उस ज़माने में सिंपल कैबिन बनता था बिल्कुल, इसकी रिपेयर भी हो चुकी है। गाड़ी स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर देखते हो पुली सिस्टम दिया हुआ है रस्सा डालने के लिए, और अगर हम यहाँ पर गाड़ी को सेल्फ लगाएं यहाँ पर, आज भी गाड़ी वर्किंग है। सबसे बढ़िया बात यहाँ पर मैं एक्सीलेट करता हूँ, यहाँ पर ABC पैडल देते हो, ये क्लच है गाड़ी का, ये ब्रेक है, और यहाँ पर रही एक्सीलेशन, यहाँ पर आज का आवाज देख सकते हो आप गाड़ी की, यहाँ पर मैं आपको आवाज सुनाता हूँ, ये गाड़ी हमारी वर्कशॉप के सामने खड़ी थी,
हमारी वहाँ पर वर्कशॉप है गिल्ट्रक बॉडी और ग्राउंड का इस्तेमाल कनक लेकर जा रही थी, उसके लिए हम वीडियो बना रहे हैं। गाड़ी का यहाँ पर माथा जो देख सकते हो PNC 4070 गाड़ी का यहाँ पर नंबर है, ऊपर बोर्ड लगा हुआ है, ऊपर गोला वगैरह भी उखड़ चुका है। शीशे यहाँ पर दो शीशे आते थे उस समय तक, अभी भी हम दो शीशे डाल रहे हैं, पर कभी बार ऐसी गाड़ी में सिंगल फ्रेम आता है। डी गाड़ी है, डी गाड़ी ऐसी गाड़ी पर उसके बाद आई थी, डी गाड़ी इसको बोलते हैं। और एंगल देखो हैवी एंगल उस समय लगता था, रिवटिंग देखो वाशल पाकर होती थी, काफ़ी ज़्यादा सिस्टम है। डीजल टैंकी देखो, दो ब्रैकेट वाली डीजल टैंकी भी आ रही है साथ में, साइलेंसर छोटा सा साइलेंसर है गाड़ी का, कुछ ज़्यादा नहीं है। और चेसिस की बात कर लेते हैं हम, चेसिस यहाँ पर देखते हो 8.5 इंच वाली चेसिस है, और जो बत्ते बीम डाले हुए हैं वो 4 इंची वाले बीम डाले हुए हैं, आजकल 9 इंची डाल रहे हैं हम। और यहाँ पर फ्लोर काफ़ी हैवी, और यहाँ पर देखते हो दाने माके के लिए जो वीट ग्रेन जो गाड़ी लोड कर रही है वो यहाँ पर सामने आपको दिख सकता है, अंदर से गाड़ी फुल लोडेड है, वजन काफ़ी है गाड़ी पर, ऐसे नहीं है कि वजन नहीं है। और 10 टन के आसपास तो ये गाड़ी अभी भी लोड कर कर लेकर जा रही है। अगर आपको इस गाड़ी की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाना, क्योंकि 1965 की गाड़ी आपको हम दिखा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा जब ये गाड़ी पड़ी होगी मेरा नियर अबाउट उस टाइम पर, ये गाड़ी की जो कीमत है वो 2 लाख के अराउंड रही होगी और बॉडी इसकी लगी होगी नियर अबाउट 25,000 और 30,000 के आसपास। अगर आपको और इस गाड़ी की जानकारी चाहिए तो एक ना स्पेशल हम इसका मेंटेनेंस वीडियो बनाने वाले हैं, तो उसमें मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।